साल है और आने वाला नया साल है। दादी शायद आप भूल गई हैं कि हर साल भारद्वाज खानदान पुराने साल को इज्जत से विदा करता है और नए साल का धूमधाम से स्वागत करते हैं। इसीलिए आज शाम हमने घर में पार्टी रखी है न्यू ईयर की। भगवान करे ये नया साल हम सबके चेहरे पे, हम सबकी जिंदगी में खुशियां लाए और आप बिजनेस में खूब तरक्की करें दादी। और हाँ दादी, मैंने पार्टी के सारे इंतजाम कर दिए। दादी आप भी अपनी सारी गेस्ट लिस्ट को बुला लीजिए। पता नहीं प्लीज आपको सारी मीटिंग आज कैंसिल करनी होगी। अच्छा। और दादी ये पार्टी खास आपके लिए है ताकि आप खुल के एंजॉय कर सके। तुम चार सिर्फ हमारे पोते ही नहीं, हमारे जीवन के चार स्तंभ हो। हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए ना तो आप सब हमारे साथ खड़े रहोगे। भगवान तुम चारों को दुनिया की सारी खुशियां दे। थैंक यू दादी। क्या बात कर रही हो, घर में नए साल का जश्न हो रहा है। अब देखो कि बिजली कैसे अपना करंट गिराती है। ओ बिजली की तार, ज्यादा फड़फड़ाओ मत। मैं तो बस इतना कहने आई थी कि मैं तुम्हें पार्टी के लिए इनवाइट करने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि प्लीज इस रूम से बाहर मत निकलना। नंदिनी को हम पे पूरा शक हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि नए साल में हमारा भांडा फोड़ के वो धमाका ही कर दे। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इस पार्टी से दूर रहना प्लीज। ऐसे कैसे नहीं आऊंगी मैं जश्न, मेरे लंबू जी आ रहे तो मुझे तो आना ही है ना। उनका दिल जीतने के लिए हाँ, ये सुंदर हॉट जानलेवा स्वर्ग से उतरी अप्सरा बन के जाऊंगी कि वो देखते रह जाएंगे। वैसे आज जश्न में बहुत सारे मेहमान भी होंगे, इसका मतलब यही सही मौका है उस नंदिनी को इस घर से हमेशा के लिए गायब करने का। मिली जुली अब हम जो कहते हैं वो ध्यान से सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही कर। कोई बहाना नहीं चलेगा बॉबी, आज शाम को तुम्हें आना ही होगा। हाय राम, कितने बेशरम हो गए ये। ये तो हमारी सौतन को सीधा घर पे ही बुला रहे हैं। सीओ किसको बुला रहे थे तुम अभी? हाँ ओ मेरे खास दोस्त। खास नहीं जल्लाद दोस्त बोलो। सच सच बताओ किसको बुलाया तुमने पार्टी में? कौन है ये दोस्त? ऐसे क्यों पूछ रही हो? देखो तुम हमें बेवकूफ मत समझो, हम जो पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब दो। किसको बुलाया पार्टी में? बॉबी को। क्यों? वही बॉबी ना जिसका बाल तुम्हारे शर्ट पे मिला था, वही बॉबी जो तुम्हारे साथ हमेशा टूर पे जाती है, जो तुम्हारे कंधे पे सर रख के सोती है। एक मिनट रुको। ये बाल लेके क्यों घूम रही हो? ये लहराता मखमली बाल उस बॉबी का ही है ना, है ना? एक काम करो, शाम को मिलोगी बॉबी से तो खुद ही मैच कर लेना कि उसका बाल है कि नहीं। ठीक है अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। सुन हमारी फूटी किस्मत अब और भी फूट गई। अब तो उदय जी हमारी सौतन को घर में भी ला रहे हैं। कोई बात आने दो बॉबी की बच्ची को, उसको काट काट के ना गोभी ना बनाया ना तो हमारा नाम भी ज्योति।
अरे वाह, मुरली भैया को भी बुलाया गया है। एक कमिया, उस बिजली को बोल दिया है ना कि कोई शरारत ना करे। हाँ सासू मैं बोल दिया। बिजली दीदी को देखना, ये वो बिजली नहीं नंदिनी है जिसको आज हमें गायब करना है ताकि बिजली दीदी जिंदगी भर इस महल में रानी बनकर रहे। बिजली दीदी हम आ गए। देखिए नया साल हमारे लिए नई खुशियां, नए सपने और नई उम्मीदें लेकर आता है, तो इसका स्वागत करना धूमधाम से तो बनता है, क्यों? इस साल का स्वागत करेंगी हमारे घर की आन बान शान भारद्वाज खानदान की तीन बहुरानियां, नंदनी, प्रिया भाभी और ज्योति भाभी। जोरदार तालियां। लड़की ने हमने जैसे कपड़े पहने, मतलब यही हमारी हमशक्ल है। आज तो इसका पर्दाफाश हम करके ही रहेंगे। ये किन कथियों को काम दे दिया मैंने? ये बेवकूफ तो नाच सीखने में व्यस्त है। रंजनी को गायब करने का इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तुमने हमारे दामन पे, पर अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला कर रहेंगे हम। सच्चाई घर वालों के सामने ला कर रहेंगे हम। क्या हुआ?
नहीं ला पाएगी तो घर वालों के सामने मेरी सच्चाई काहे भला, उसके लिए तो तुझे घर वालों के सामने जाना पड़ेगा, और वो कैसे जाएगी? हम घर वालों के सामने कैसे नहीं जा पाएंगे? बात है, क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस था भारद्वाज खानदान की बहुओं के लिए, एक बार फिर से हो जाए जोरदार तालियां। लेकिन तीसरी बहू नंदिनी कहां गायब हो गई? अच्छा, लगता है उसे गोलगप्पे खाने का बड़ा शौक था, शायद इसलिए अंदर चली गई है। हाँ, नंदिनी कहाँ गई है? हम देखकर आते हैं। हाँ ठीक है। जरूर ये हमारी सौतन बॉबी का इंतजार कर रहे होंगे। परेशान लग रही हो? प्रिया, हमें ना तुम्हारे उदय भैया के बारे में कुछ बताना है। क्या? चलो अब इस नंदिनी को ऐसी जगह छोड़ाओ जहां से कभी वापसी ना आए। नंदिनी, नंदिनी कहाँ चली गई है? नंदिनी पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं दिखाई दे रही है। नंदिनी, नंदिनी रुक जाओ। क्या है इसमें? अरे बस मुंडी भैया, वो दरअसल ना मेहमान आए हैं, उन्होंने खाना गिरा दिया था इसमें, तो सफाई के लिए ही भिजवा रहे। खड़ी खड़ी देख जा रही हो, जाओ जल्दी। रुको, हमें देखने दो पहले क्या है इसमें। दिखाइए,
खड़ी खड़ी देख क्या रहे हो, निकलो। चलो चलो जाओ। वो कहावत है ना, यादों के बातों से नहीं मानते। बड़ा चतुर बन रहा था। अब देखते कोई कैसे मेरे और अंग्रेजी हीरो के बीच में आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए। हमारी सुमित्रा दादी के लिए हम पोतों ने कुछ तैयार किया है, सो आप लोग देखने के लिए रेडी है ना? रेडी है। आकाश, तू अकेले क्यों खड़े हो? नंदनी कहाँ है? नंदनी, अब तो तेरा पत्ता साफ और मेरा मकसद पूरा होने जा रहा है। अब तो बिजली बन के भगवान को प्यारी होगी और मैं नंदनी बन के अंग्रेजी हीरो की हीरोइन बन जाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। नीचे नीचे रुक। चल डिक्की खोल। राम जी, हमारी मदद कीजिए, इन दोनों राक्षसनियों से बचाओ हमें। लगता है चली गई।
अब दिखाते पहलवानी। इस चाशनी की दुकान के सामने मीठा बनने के लिए मुझे तेरी तरह बनना पड़ेगा नंदनी, पर कोई बात नहीं, महलों की रानी बनने के लिए मैं तेरी तरह भी बन सकती हूँ। ऐसे अब तक तो मिले जुले ने नंदनी को ठिकाने लगा ही दिया होगा। हम तुम्हें अपने ससुराल में अपनी जगह लेने नहीं देंगे। आ रहे हैं हम तुम्हारा पर्दाफाश करने, अब तुम्हारा खेल खत्म। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.